शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अपने मिनिस्टर्स और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उसके अलावा जो हमारे इकबाल के अंदर जो हमारे जितने भी पॉलिटिकल हमारे कारकुन हैं, मैं सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ कि मैं जब इकबाल आया हूँ तो इंशाल्लाह वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आया हूँ जिससे एक माशरा बदलता है। लोग कहते हैं कि जी तब्दीली क्या होती है, तब्दीली सबसे पहले जहनों में आती है फिर ग्राउंड पे आती है, ये याद रखें प्लीज़। लोग समझते हैं कि तब्दीली कोई एक बटन ऑन करो तो तब्दीली आ जाती है, तब्दीली पहले लोगों के जहन बदलते हैं। तो मैं उसके ऊपर आने से पहले, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बात की गई कि चकवाल और ये सारे इलाका जेलम, चकवाल, मियांवाली, यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने पाकिस्तानी फौज में वो गए और उनकी बड़ी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए मुझे एहसास है कि जब मेरे आने से पहले हमारे मिनिस्टर्स ने बात की और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, कि जो एक पहली दफ़ा किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल ऑपोजिशन ने जिस तरह फौज के ऊपर हमला किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के ऊपर तनकीद की जाती थी, लेकिन जनरल मुशर्रफ पॉलिटिकल थे, यानी वो मुल्क के सरबराह भी बन चुके थे और आर्मी चीफ भी थे, उसके ऊपर तो तनकीद थी। लेकिन आजकल जो तनकीद की जा रही है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जुबान इस्तेमाल की जा रही है जो हिंदुस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ इस्तेमाल करती है। एक आपकी पता नहीं कितनों की नजरों से गुजरा, यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब, उन्होंने इंकशाफ किया कि हिंदुस्तान ने फेक साइट्स, मीडिया साइट्स बनाई हुई थी कुछ 700, जिसमें उन्होंने मरे हुए लोगों के नाम पे भी न्यूज़ आइटम्स उनके नाम से भी देते थे, फिर अखबारों के फेक बार बनाए हुए थे, और उसका सिर्फ सबसे ज़्यादा मकसद ये था कि पाकिस्तान कोई बुरी नज़र में दुनिया में पेश करें, पाकिस्तान में कहें कि अफरा तफरी पड़ी हुई है, ताकि कोई बाहर से सरमायाकारी ना करे पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तानी फौज को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तानी फौज कमज़ोर हो, और अब से नहीं, पहले से वो चाहते हैं, उनकी पूरी एक प्लानिंग है कि दुनिया में पाकिस्तानी फौज को एक ऐसी नज़र पेश किया जाए कि वो एक रोग आर्मी है, वो दहशतगर्द हैं। नरेंद्र मोदी पिछले आर्मी चीफ को तो खुल के कहते थे कि दहशतगर्द है। तो बदकिस्मती से पता ये चला कि ये जो फेक साइट्स थी हिंदुस्तान की, ये इस ऑपोजिशन को भी, ये जो APDM है इसको भी आगे वो प्रमोट कर रहे थे, और कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो इनको भी प्रमोट करते हैं, और वो भी वो हिंदुस्तान की इस डिसइंफॉर्मेशन के हिस्सा थे। तो कहने का मकसद ये कि पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है, आर्मी चीफ को, ISI चीफ को, इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। और टारगेट क्या कर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था वो इन्होंने, क्योंकि फौज ने धांधली करवाई, इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट, इसके लिए कोई इनसे पूछे कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई थी तो क्या आप गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या आप पार्लियामेंट में आए, कोई आपने फोरम पे कहा कि धांधली हुई है? तो आज जब अमेरिका में इलेक्शन हुआ तो जब रिपब्लिकन्स कहना शुरू हुए कि इलेक्शन में धांधली हुई, तो मीडिया पहले कहता था कि इन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, यानी वो मीडिया कहने के लिए नहीं तैयार था धांधली जब तक सबूत ना हो।
तो ना सबूत दिए, ना किसी फोरम पे गए और पाकिस्तानी फौज को अटैक करना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने एक सिलेक्टेड हुकूमत लेके आए। और असल में हम सब सारी कौम जानती है कि 30 साल से ये जो इनके लीडरान हैं, इन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा 30 सालों से। इनके ऊपर बाहर मजमून छपे हुए हैं, बाहर के अखबारों में, डेली टेलीग्राफ में, टाइम्स में, डेली मेल में, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स में, बीबीसी ने दो डॉक्यूमेंट्री इन दोनों लीडर्स के ऊपर बनाई हुई है, इनकी चोरी के ऊपर। इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर जो बातें की हुई हैं वो आज आप टीवी देख सकते हैं। और एक को जरदारी को जेल नवाज शरीफ ने डाला था करप्शन में, दोनों हुकूमतें दो दो दफा करप्शन में गई थी, एक दूसरे को करप्ट कहते थे। आज सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए एक मुल्क की वो इंस्टीट्यूशन जो अगर आज कभी भी पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की ज़रूरत है तो आज ज़रूरत है। और क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बरे सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई, जो कि एक इंतहा पसंद, एक टोटलिटेरियन, एक रेसिस्ट, एंटी मुसलमान और एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान कभी ऐसी हुकूमत नहीं आई और जो उन्होंने कश्मीरियों से कर रहे। और उस टाइम पे अपनी फौज को अटैक करना और फिर अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, और फिर फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो और कहते हैं डेमोक्रेटिक। तो मैं इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये वो खास तौर पे ये सारा वो इलाका है जिसमें लोगों ने फौज में जाके बड़ी अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आज भी हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। आज जो हिंदुस्तान से दहशतगर्दी की जा रही है बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में, ये हमें पता है किधर से हो रहा है। हमें तो पहले से ही अंदाजा था कि ये हर किस्म का पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी हमारे फौजी जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। और इसमें ये जो अपोजिशन जो हरकतें कर रही है, मैंने कभी अपनी पाकिस्तान में इस तरह अपने मुल्क को अंडरमाइन करने के लिए कभी किसी हुकूमत को नहीं देखा। और सिर्फ एक इनका मुतालबा है कि इनको हम किसी तरह NRO दे दें, यानी जो चोरी इन्होंने 30 साल से कर रहे हैं और पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, किसी तरह इतना ब्लैकमेल करें। मुझे तो इनको पता है कर नहीं सकते, तो इसलिए इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पे डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ़ कर दें। और आज मैं अपनी अगली बात जो शुरू करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी कौम को, ये सब याद रखें, अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने NRO दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ कर दे। जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों लीडरों को NRO दिया, उसका नतीजा क्या हुआ कि 10 सालों में पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना ज्यादा बढ़ा। कोई बताए कि पैसा किधर गया? 4 गुना यानी 6000 अरब से पाकिस्तान का कर्जा इन 10 सालों में इन दोनों को NRO मिलने के बाद, उन्होंने जो दो बारियां ली, पाकिस्तान का कर्जा 30000 अरब पे गया, 6000 से 30000। तो जब मैं अपने आज जब पार्लियामेंटेरियंस और अपने पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, वो सारे कह रहे थे हमें सड़कें चाहिए, और मुझे सारे आपके इस इलाके को तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है आपके क्या मसले थे। तो मैं तब उनको बता रहा था कि एक हुकूमत जब हम आए तो जितना हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया पहला साल, उसका आधा चला गया इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने में, आधा चला गया। और अब ये जो दूसरा साल हमारा गुजरा है, पहले साल में हमने 2000 अरब
यानी 4000 अरब टैक्स इकट्ठा हुआ, 2000 अरब कर्जों की किससे देनी थी, इनके लिए वो कर्जों पे, जो इन्होंने 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया, और दूसरे साल में वो कर्जे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर सूद लग रहा है, तो दूसरे साल 2700 अरब हमें कर्जों की किस्तें वापस करनी पड़ी। इसलिए जो पैसा खर्च करना है अपने लोगों के ऊपर, वो हमारे पास कम रह जाता है। तो ये होता है जबकि आप उन लोगों को जो करप्ट होते हैं, जब वो आके मुल्क की सरबराई करते हैं, वो सारे मुल्क का निज़ाम तबाह कर देते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक एक निज़ाम को करप्ट कर देते हैं। आप एक थानेदार को कैसे कहेंगे या एक पटवारी को कैसे कहेंगे चोरी ना करे, जब मुल्क का सरबरा पैसा चोरी कर रहा है? आप ये कैसे कहेंगे ये जो लोग जेलों में भरे हुए हैं, ये जो मेरे से मांग रहे हैं एनआरओ दो, तो ये बेचारे जो जेलों में गरीब लोग भरे हुए हैं, उनका फिर क्या कसूर है? उनके तो कसूर इनसे बहुत कम है। जो चोरी इन्होंने की अरबों रुपए की और बाहर जाके बड़े बड़े महलों में बैठे हुए हैं, वो बेचारे जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, उनकी तो लाखों की चोरी होगी। और अगर इन लोगों को सजा हम नहीं देते, तो मुझे ये बताएं कि क्या हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ताकतवर इस मुल्क में जो मर्जी करें, वो ब्लैकमेल करके एनआरओ ले लें और सिर्फ गरीब आदमी के लिए जेल है? और इसलिए मैं अपनी कौम को बार बार याद कराता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर को एनआरओ देती थी और कमज़ोर लोगों को बेचारों को जेलों में डालती। अब जी मैं चकवाल के ऊपर आता हूँ जिसके लिए आज मैं यहाँ आया था। देखें जो मुझे यासर आपकी बात बड़ी आज पसंद आई, सिर्फ मैं एक जगह एग्री नहीं आपसे करता कि आपने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई यूरोप के अंदर, तो मुसलमान मुल्कों के अंदर हमने तालीम पर जोर नहीं दिया। ये एक्चुअली ठीक बात नहीं है। जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो उसकी एक और बहुत बड़ी वजह थी, उसके साथ साथ यूरोप के अंदर डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी शुरू हो गई। और जो वहाँ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, तो उनकी जो लीडरशिप थी वो मेरिट के ऊपर आनी शुरू हो गई और वो अकाउंटेबल थी, यानी कानून के नीचे थी उनकी लीडरशिप। हुआ क्या कि मुसलमानों का जो हमारा सफ़र शुरू हुआ मदीना की रियासत से, वो बड़े डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे। मदीना की रियासत के अंदर जो खलीफा वक्त था वो अकाउंटेबल था। आम आदमी हजरत उमर से पूछा मस्जिद में कि जी बताएं आपने ये कपड़े, नए कपड़े किधर से लिए, और हजरत उमर ने जवाब दिया। ये नहीं कहा जिस तरह अभी ये फजलुर रहमान ने कहा, जी मैं तो खुद सादिक अमीन हूँ, मैंने खुद ही फैसला कर लिया, मैं सादिक अमीन हूँ, मैं जवाब दे नहीं हूँ किसी का। और फिर दो खलीफा वक्त जाके अदालत में खड़े हुए, कानून की बालादस्ती थी, कानून ऊपर था सबसे। और डेमोक्रेसी की दो चीज़ें सबसे जिसकी वजह से दुनिया में डेमोक्रेसी आगे बढ़ी है, कानून की बालादस्ती और दूसरी मेरिटोक्रेसी थी। तो जो बादशाह थी, जो हम पीछे रह गए, हम इसके पीछे रह गए कि वो जमहूरियत की तरफ जाना शुरू हो गए, और हम किधर मदीना की रियासत में जमहूरियत, हमारे पास सारे जो स्ट्रक्चर जमहूरी थे, हम बादशाह की तरफ जाने शुरू हो गए। और बादशाह के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो एब्सोल्यूट किंगशिप जिसे कहते हैं, उसमें ना बादशाह अकाउंटेबल होता है और दूसरी चीज़ मेरिट नहीं होती। जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ लीडरशिप मेरिट पे आती है, जो बादशाह है वहाँ तो खून के ऊपर लीडरशिप है। अब आप ये देख लें, दोनों बड़े बड़े जो इस मुल्क में जिन्होंने 30 साल में इस मुल्क में चोरी की और आज अरबोपति हैं और बाहर भी पैसा इनका और बच्चे भी बाहर हैं, इनके जो दो बच्चे, अब एक का बेटा एक की बेटी, अब जो ये एनआरओ के जलसे कर रहे हैं, तो इनसे कोई पूछे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वजह है कि आप दोनों पार्टीज के सरबरा बने हुए हैं, क्या किया आपने?
आप अगर कोई नौकरी, छोटी सी भी नौकरी लेने जाते हैं तो पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, आपने किया क्या जिंदगी में। जॉब एक्सपीरियंस के बगैर आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे और उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और अदालतों में कन्विक्ट हो रहे हैं, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और तो इनकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं, एक घंटे का दोनों ने काम नहीं किया जिंदगी में, एक घंटे की कमाई नहीं की, तो वो मुल्क चलाने जा रहे हैं। आप ये फैक्ट्री की है कि फैक्ट्री के लिए आप जरा एमडी को जरा रिक्रूट करेंगे तो जरा देखें वो क्या क्या सवाल पूछते हैं उस फैक्ट्री से कि बताए तुमने क्या क्या किया जिंदगी में। तो यहां मुल्क चलाने जा रहे हैं और जॉब एक्सपीरियंस क्या है कि हम बड़े शान शौकत में पले हैं लेकिन बदकिस्मती से वो हलाल का पैसा नहीं था। अच्छा जी, मैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, जो कौमें आगे बढ़ी हैं, जब तक हम तालीम के ऊपर जोर नहीं देते कोई जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है। हम अगर समझ रहे हैं कि तालीम के बगैर कोई मुल्क आगे बढ़ जाएगा, ये फेरी टेल्स में भी नहीं होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के बाद एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की। उन्होंने, हालांकि पैसे नहीं थे, बुरे हालात थे, उम्मा के बहुत बुरे हालात थे जंगे बदर में, गरीब लोग थे सब, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब कैदी को वापस करके मक्का के कैदी को पैसे मिल सकते थे, उन्होंने तब कहा कि जो कैदी पढ़ा लिखा देगा 10 मुसलमानों को वो वापस आज़ाद है। ये एक बड़ी सोच थी। जो तालीम है वो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी इवॉल्व की, हम 5 साल का सोचते हैं, जैसे जी 5 साल से मैं कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दूं फिर उसकी इतनी अरबों रुपया उसके ऊपर पब्लिसिटी पे खर्च करके ताकि अगला इलेक्शन जीत जाओ। लेकिन तालीम के अंदर अगला इलेक्शन का नहीं आप सोचते। जो गवर्नमेंट अगले जनरेशन की सोचती है वो तालीम के ऊपर फिर जोर डालती है। अब हमारा दुनिया में सेकेंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है। इस आबादी को जितना हम वैल्यू एड कर सकें, वैल्यू एड का मतलब कि जिनकी बेहतरीन तालीम हुनर सिखा सकें, टेक्निकल एजुकेशन दे सकें, और दुनिया खड़ी है एक और टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन पे, नई नई चीज़ें आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी टेक्नोलॉजीज इतनी तेज़ी से एडवांस कर रही हैं। लेकिन हम, खुशकिस्मती हमारी ये है कि हम अपनी यंग आबादी को इस वक्त अगर हम इक्विप करते हैं तो ये लीप फ्रॉग कर सकते हैं। मतलब ये कि बजाय एक प्रोसेस से गुजरने के हम बड़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं। इसलिए जो दो आज मैंने आज इनॉग्रेट किए, दो चीज़ें, एक आपकी जो यूनिवर्सिटी चकवाल यूनिवर्सिटी और दूसरा जो आपने सेंटर ऑफ एक्सलेंस एक स्कूल ऐसा बनाया कि जो बेहतरीन टैलेंट चकवाल के बच्चों का, लेकिन गरीब बच्चों का, वो बच्चे जो कि जिनके माँ बाप के पास पैसा नहीं आला तालीम देने का बच्चों को, उनके लिए जो स्कूल बनाया, मैं आज आपके सामने पेशन गोई कर रहा हूँ कि अगर आपने सही तवज्जो दे दी उन स्कूलों पर, यानी टीचर्स के ऊपर सही तवज्जो दे दी, अच्छे टीचर्स भी दिए, स्कूल की बिल्डिंग्स काफ़ी नहीं होती, उसके ऊपर टीचर्स भी आपको अच्छे चाहिए होते, अगर आपने तवज्जो दे दी तो आपका बेहतरीन टैलेंट उस स्कूल से निकलेगा जिधर आप मेरिट के ऊपर गरीब घरानों से बच्चों को लेके आ रहे हैं। हमने नवल यूनिवर्सिटी में साथ ही है, कभी आपको मौका मिले ज़रूर जाके देखें क्योंकि मुझे उसका बड़ा फख्र होता है उस यूनिवर्सिटी का। उसमें 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप पे, यानी उनका तकरीब सारा पैसा हम इकट्ठा करके स्कॉलरशिप पे देते हैं और वो गरीब तरीन घराने के बच्चे हैं और उनमें से 75% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूल के हैं और जो इनिशियल डिग्रीज थी वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, यानी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की। लेकिन आपको हैरत होगी कि जो उनका रिजल्ट है, जिस तरह के वो बच्चे पढ़ते हैं और जो उनके अंदर
ड्राइव है, जो हंगर है, जो भूख है, वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ले रहे हैं और ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो परसेंटेज है फर्स्ट डिविजन्स की वो नबल यूनिवर्सिटी की ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप मौका देते हैं उनको जिनके अंदर एक आग लगी होती है कि हम किसी ना किसी तरह जिंदगी में ऊपर जाए, और उनको मौका दे देते हैं अच्छा तालीम दे के, और फिर वो ये जब सोचते हैं कि मैं अपने खानदान को भी ऊपर ले जाऊंगा, अपनी फैमिली को भी उठा दूंगा, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँगा, वो कई दफ़ा वो स्कूल जिनके अंदर बच्चे पैसे वाले घरों के आते हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते। और ये नबल यूनिवर्सिटी में आप देख लें कि नहीं, वो जो नबल यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह का वो जिस तरह के बच्चों के अंदर ड्राइव है वो नज़र आती है उनके रिजल्ट्स में। और इसलिए ये जो आपने एक पहले स्कूल, मैं समझता हूँ कि स्कूल में से आपका बेहतरीन टैलेंट निकलेगा, दूसरा जो यूनिवर्सिटी है ये बड़ी ज़रूरत थी यहाँ सारे इलाके के लिए क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज़, ये जो आप बनाने जा रहे हैं मैं आपको मुबारक भी देता हूँ और आप यकीन दिलाता हूँ कि पूरी तरह इंशाल्लाह मैं आपकी इसमें सपोर्ट करूँगा हर तक एंड तक। और फिर जो हॉस्पिटल है ये बहुत ज़रूरी है, ये जो 500 बेड का हॉस्पिटल बना है इसकी बड़ी ज़रूरत है इस सारे इलाके में, आबादी हमारी बढ़ती जा रही है, हमारे पास इतने हॉस्पिटल्स नहीं, नर्सेज नहीं, डॉक्टर्स नहीं, तो ये जो आप पहला तो ये कदम है कि इस इलाके में एक हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी, ये जो आपने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया और ये जो शुरू कर रहे हैं आप, इसके लिए फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ कि पूरी हम सपोर्ट देंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पाकिस्तान में जितने हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकती, और उसके लिए हमने एक ऐसा ज़बरदस्त, और मैं दोनों पंजाब और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट्स को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि जो हेल्थ कार्ड है, जो हेल्थ कार्ड लेके आए हैं ये इंशाल्लाह आप देखते रहे। मैं आपके सामने ये भी पेशन गोई करता हूँ कि 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल तक, मैक्सिमम 10 साल तक, यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम होगा हमारे से बड़े अमीर तरीन मुल्कों का भी वो हेल्थ सिस्टम नहीं होगा जो पाकिस्तान का बनने जा रहा है। और वो क्यों? वो इसलिए कि हेल्थ कार्ड में हर खानदान में और फैसला हुआ है कि अगले साल के एंड तक हर पंजाब का और पख्तूनख्वा का खानदान उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस होगी। इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये आप हैरान होंगे, मैं फिर से कह रहा हूं, अमीर तरीन मुल्कों के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। ये जो कार्ड है हेल्थ कार्ड, इससे क्या होगा? अब तक क्या होता था कि अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल सिर्फ बड़े शहरों में चले जाते थे क्योंकि पैसा तो बड़े शहरों में है, तो छोटे शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल बनाता ही कोई नहीं था। अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इनकरेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको सस्ती ज़मीनें देंगे हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को आने में, सारी उनकी जो इक्विपमेंट पाकिस्तान में हेल्थ हॉस्पिटल की इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती सारी वो हम उनको ड्यूटी फ्री इजाज़त देंगे बाहर से इंपोर्ट करने की। और उसके बाद हेल्थ कार्ड की वजह से जब आम हर घर के पास एक हेल्थ कार्ड आ जाएगा घराने में, तो कोई भी जाके, और हेल्थ कार्ड में आप किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी पाकिस्तान के अस्पताल में हेल्थ कार्ड से आप अपना इलाज करवा लेंगे। उससे ये होगा कि गरीब तरीन इलाकों के अंदर जब सब लोगों के पास हेल्थ फैमिलीज के पास होगा तो फिर पैसा का तो मसला नहीं होगा। उससे इंशाल्लाह पूरा हम अपना एक हेल्थ सिस्टम खड़ा करेंगे पाकिस्तान जो कि सारे इलाकों को कवर करेगा, गरीब इलाकों को भी। और ये मेरा एक, मुझे इंशाल्लाह जब लोग कहते हैं कि क्या मुझे मेरे से पूछते हैं कि आपके जब 5 साल पूरे हों तो आपको आप क्या चाहेंगे कि पाकिस्तान में क्या चीज़ होगी तो आप समझेंगे आप कामयाब हो, तो मैं 5 साल के अपने बाद सबसे पहले ये चाहूँगा कि हम अपना जो कर्जे हैं, जो करंट अकाउंट, जो हमारे डेफिसिट हैं, एक बैरूनी डेट यानी एक बैरूनी खसारा है और एक अंदरूनी खसारा है, तो मैं ये चाहूँगा कि ये दोनों खसारों को हम कम करके उधर ले आए कि पाकिस्तान अपने पैर पर खड़ा हो जाए। जो बैरूनी खसारा है वो तो आपको
मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र ये है कि पिछले पाँच महीने में जो हमारा जिसको करंट अकाउंट कहते हैं उसका जो सबसे बड़ा खसारा हमें मिला था 2.25 साल पहले, आज मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि 5 महीने मुसलसल हमारा जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया और 17 साल के बाद ये हुआ। अब दूसरी जोर लगाना है कि अपना जो फिस्कल डेफिसिट है यानी हमारी जो आमदनी है वो अभी भी कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा है, लेकिन अभी तक ये मुझे इसका अभी तक ये फ़ख्र है कि आज अगर हमें कर्ज़ों की किस्तें वापस ना करनी पड़े जो कि कर्जे इन्होंने पिछलों ने लिए थे, तो हमने अपनी आमदनी और खर्चे को अब बैलेंस कर लिया, यानी हमारा खसारा नहीं है। अब खसारा तब आता है क्योंकि हमें ये कर्ज़ों की किस्तें देनी पड़ती हैं और इंशाल्लाह वो आमदनी हम बढ़ाने की पूरी अब जोर लगा रहे हैं, अपने मुल्क में वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जब अगले हमारे 5 साल पूरे होंगे तो ये सबसे पहले तो ये कि जो कर्ज़ों का बोझ है इंशाल्लाह इसको कम करें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो, अगर आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, गुर्बत यहाँ कम हो गई, लोगों की बुनियादी ज़रूरियात उनकी सेहत का हम ध्यान रख सके, उनके लिए हम तालीम हर गरीब घराने के लिए मौका मिले तालीम का, और ये जो हमारे जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ स्कूल खाली पड़े रहते हैं, वहाँ सिस्टम ठीक नहीं है, पूरा जोर लगा रहे हैं कि अब ये जो एजुकेशन का सिस्टम है ऐसे करें कि इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, और साथ साथ इसके साथ जो हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक इनकलाबी सिस्टम है और इस सिस्टम के ज़रिए हम अपने जो देहाती इलाकों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है जिस तरह चकवाल है मियाँ वाली, वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर स्कूलों को ओवरसी करें, और ये हमारा बड़ा एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम है जो इंशाल्लाह जब इलेक्शन आएंगे तो आपको पता चलेगा, बड़ी मेहनत से हम अपना नया बल्दियाती निज़ाम लेके आए। तो स्कूल का निज़ाम ठीक हो जाए, सेहत का निज़ाम ठीक हो जाए, गवर्नेंस सिस्टम जो हम अब लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुलिस का सिस्टम है वो ठीक हो, और उसके लिए भी आप देखते रहेंगे कि पूरी जद्दोजहद है क्योंकि ये एक बुरी आदतें पड़ चुकी हैं कई सालों से, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक कर रहे हैं और 5 साल के बाद लोगों को नज़र आएगा कि पुलिस एक ऐसी हमारी बन गई है कि लोगों की जान और मार की हिफाजत करेगी, थाना एक ऐसा होगा जिधर लोग ये नहीं समझेंगे कि थाना कोई दूर से बाहर से कौम आके चला रही है, अपना यानी पुलिस को अपनी पुलिस समझेंगे, और इंशाल्लाह इसके ऊपर का पूरा जोर है। और उसके अलावा जो मैं चाहूँगा कि जो हमारा जो एहसास प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया के अंदर बेहतरीन एक वो प्रोग्राम माना जाए गुर्बत कम करने के लिए। हम एक बड़ी आप ये जो अभी भी हमारा एहसास प्रोग्राम जो कोरोना के दौर हमने जिस तरह पैसे बांटे गरीब लोगों के अंदर, ये तो दुनिया भी अभी समझती है, इसकी खराज तहसीन पेश करती है पाकिस्तान को, कि बेहतरीन तरीके से शफाफियत से और बड़े थोड़े वक्त इतना ज़्यादा हमने पैसा बांटा गरीब लोगों में, जिससे बच के हमारी आवाम लॉकडाउन में जो तबाही मची थी। लेकिन जो अब पूरी तरह एहसास प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं गुर्बत कम करने के, ये हमने चाइना से बड़ी तफसील समझी थी कि चाइना ने कैसे गुर्बत अपनी कम की। दुनिया की तारीख में कभी किसी मुल्क ने इतनी तेज़ी से इतने थोड़े टाइम में इतने ज़्यादा लोगों को गुर्बत से नहीं निकाला जो चाइना ने निकाला। तो उससे उस प्रोग्राम के तहत मेरा पूरा एक ईमान है कि हम अपने 5 साल के बाद ये कह सकेंगे कि पाकिस्तान में जो जब हम आए थे उससे अब गुर्बत बहुत कम हो चुकी है। और जो मेरा एक अभी मैं एक और स्कीम शुरू करने लगा हूँ कि एक पूरा हमारा एक प्रोग्राम जिसके अंदर पूरे स्टेप्स लेंगे कि कोई पाकिस्तान में भूखा ना सोए, इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरा एक प्लान लेके आएंगे जिसमें पाकिस्तान की शहरियों को हम पूरी कौम मिलके करेगी कि कोई हमारे मुल्क में भूखा ना सोए, ये पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह आपके सामने लेके आऊँगा। तो मैं फिर से आज आपको चकवाल के लोगों को मुबारक देता हूँ। वो एक तो मैं भूल गया, वो जो सड़क उसकी बड़ी ज़रूरत थी बाईपास की, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ, वो तो हमने चौथी चीज़ आज इनॉग्रेट की है,
लेकिन मेरे लिए असल दो चीज़ें हैं, एक आपका हॉस्पिटल और ये जो आपके एक स्कूल बनाए और जो यूनिवर्सिटी, इसकी मैं आपको खास तौर पर मुबारक देता हूँ।